اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم बस कोई नफ्स भी नहीं जानता कि क्या कुछ छुपा हुआ है उनकी आँखों की ठंडक के लिए। ये बदला है उन कामों का जो वो करते थे। क्या भला मोमिन आदमी उस शख्स की तरह हो सकता है जो फासिक फाजिर है? ला यस्तवून, ये बराबर नहीं हो सकते। बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए बगात उनका ठिकाना होगा बतौर मेहमानी के उस काम की वजह से जो वो करते रहे। माकबल लहते करीमा में आपने तहज्जुद की फजीलत को सुना। आदमी तहज्जुद की नमाज छुप कर पढ़ता है, उसमें रियाकारी दिखलावा नामनमूद नहीं होता, बस अल्लाह और बंदे की मुनाजात आपस में हो रही होती है। बंदा अल्लाह से मुनाजात करता है और चूंकि ये छुप कर पढ़ी जाती है नमाज, और ऐसी जो छुप कर इबादतें की जाती हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने उनके आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा रखा है कोई इंसान नहीं जानता। ये अल्लाह ने क्या कुछ आगे जन्नत में हमें अता करना है, ऐसी ऐसी नेमतें हैं। हदीस मुबारक में आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी नेमतें हैं कि किसी आंख ने आज तक वो नहीं देखी, किसी कान ने आज तक वो सुनी नहीं, किसी दिल में तसव्वुर नहीं पैदा हुआ उनका। ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार करके रखी हैं। और अब क्या कुछ जन्नत में मिलने वाला है, कुरान मजीद में देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिल नार वउदखिला जन्नत फ़क़द फ़ास, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो हकीकत में कामयाब हो गया। कुरान कहता है कि वो बंदा कामयाब हो गया है। तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी थी, फरमाया कि सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, रात को उस वक़्त नमाज पढ़ो जब लोग सोए हुए हों, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और जन्नत सरासर सलामती की जगह है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला बुलाते हैं सलामती के घर की तरफ। सलामती का घर जन्नत है। जब जन्नती लोग जन्नत में जा रहे होंगे, हर तरफ से सलाम उनको पेश किए जाएंगे, बड़ा प्रोटोकॉल होगा। और जन्नत में जाने से पहले उनके दिल से बुग़्ज़, हसद, कीना, हर किस्म की नफरत निकाल दी जाएगी। सीने आपस में बिल्कुल मोहब्बत भरे होंगे, कोई ज़र्रा बराबर भी अमेजिश किसी चीज़ की नहीं होगी, हर ऐब से पाक हो जाएंगे। और जन्नत में हर हर वो नेमत इनको अता होगी कि जिसका ये तसव्वुर करेंगे, जिसके बारे में ये सोचेंगे, जो इनके दिल में चाहत पैदा होगी। और जन्नत में जब दाखिल हो रहे होंगे, फरिश्ते बड़ा इस्तकबाल करेंगे प्रोटोकॉल के साथ, बड़े तोहफे तहाइफ लेकर खड़े होंगे और सलाम कर रहे होंगे। और जन्नती आपस में मिलेंगे, व तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, आपस में सलाम ही करेंगे। दावाहुम फ़ीहा सुबहानकल्लाहुम्मा, उनकी पुकार जन्नत में सुबहानकल्लाहुम्मा होगी। सुबहानअल्लाह कहेंगे, जिस नेमत के बारे में सोचेंगे वो नेमत हाजिर हो जाएगी। फिर मसहरियों पर स्टेजों पर विराजमान होंगे, सजे हुए होंगे और वहाँ बैठे जलवा फरोज़ होंगे। और हर किस्म की नेमत, फरिश्ते फिर हर दरवाजे से दाखिल होंगे। वल मलाइकातु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से दाखिल होंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उखबद्दार, कहेंगे तुम पर सलामती हो, सलूट मारेंगे वहाँ पे जो तुमने दुनिया में सब्र किया है, आज हम सलामती पेश कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा एक माहौल होगा उस वक्त। फिर रब्बे ज़ुलजलाल खुद सलाम करेंगे, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, आज तुम्हारे रब का सलाम तुम्हें आ रहा है। अल्लाह भी सलाम पेश करेंगे। फिर हर किस्म की नेमत अल्लाह ताला फरमाएंगे, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ऐ जन्नती हो, आज इस जन्नत में तुम मेरे पास आ चुके हो, तुम्हारे लिए जन्नत में वो कुछ होगा जो तुम चाहोगे। यूँ कह लें कि छोटी खुदाई अल्लाह ताला जन्नतियों को अता फरमा देंगे, जो चाहेंगे वो होगा। जिस नेमत पर नजर पड़ेगी वो नेमत सामने हाजिर हो जाएगी। कुछ खाने को दिल चाह रहा है, किसी दरख्त पे अच्छा फल देख लिया, फौरन दिल में बात है कि सुबहान अल्लाह कहेंगे तो वो सामने हाजिर हो जाएगा, सच दज के सामने आ जाएगा और ये जन्नती उसको खाएगा।
खाना खा रहा है मसलन, एक लुकमा खाया बड़ा लजीज बहुत जायके वाला, दूसरा उठाएगा तो पहले को भूल जाएगा, तीसरा उठाएगा दूसरे को भूल जाएगा। यानी हर लुकमे में जायका अलग, उसकी खुशबू अलग, उसका मज़ा अलग, और दिल चाहेगा खाऊं और खाएगा तो पहले को भूल जाएगा। ऐसी नेमतें, फिर उसमें कोई किसी किस्म की नफरत नहीं, कोई बदबू नहीं, खुशबूदार। अब वहाँ जो खाएगा बतौर मेहमानी के, बतौर तलज्जुज के, लज्जत हासिल करने के लिए आदमी नेमतें इस्तेमाल करेगा। अब खुशबूदार डकार आएगा, सब कुछ हजम हो जाएगा, वहाँ पेशाब पखाने की हाजत नहीं है, किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई बदबू, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं होगी। हवा में परिंदा अगर उड़ता नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत, दिल चाहता यार इसका कबाब खाऊं, सुभान अल्लाह जुबान से कहेगा, वो जिस तरह की चाहत होगी वो प्लेट में सज कर इसके सामने आ जाएगा, उसको खाएगा और खुशबूदार डकार आएगा, हजम हो जाएगा, हड्डियां एक तरफ फेंकेगा, वो परिंदा फिर हवा में, वो हड्डियों पर गोश्त चढ़ेगा, हवा में फिर उड़ जाएगा। नेमतें बढ़ती चली जाएंगी, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हूरें अता फरमाएंगे कि आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान ने कई मकामात पर तज़किरा फरमाया, फरमाया कि किसी आँख ने आज तक उनको देखा नहीं है, किसी दिल में उनके बारे में तसव्वुर पैदा नहीं हुआ, और किसी कान ने उनकी सिफात को सुना नहीं है। अल्लाह के नबी ने कुछ सिफात बयान फरमाई हैं, फरमाया कि जन्नत की औरतें जो मिलेंगी, हूरुम मखसूरातुन फिल खियाम कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, कुरान ने सिफात बयान फरमाई हैं, फरमाया कि जन्नती हूर अगर दुनिया की तरफ देख ले तो सूरज बेनूर हो जाए और सारी दुनिया उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाए। फरमाया कि अगर ये नूर जो जन्नत की हूर जो औरत है अपना थूक, अपना लुआब कड़वे समुंदरों में डाल दे तो वो सारे के सारे मिठास की वजह से मीठे हो जाए। फरमाया वो थूकती नहीं है, थूकना एक ऐब है, अगर बिलफर्ज ऐसा हो जाए तो सब बेनूर हो जाएं और उसके अंदर मिठास आ जाए। फरमाया कि अगर कोई जन्नत की इतनी बड़ी कीमती नेमतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई आदमी जन्नत की नेमतों में इतनी नेमत दुनिया वालों के सामने जाहिर कर दे जितनी कोई चीज़ नाखन के ऊपर आ जाती है, अब देखिए नाखन पर थोड़ी सी चीज़ बंदे की आ सकती है, इतनी भी नेमत जाहिर हो जाए तो आसमान और ज़मीन सारे का सारा नूर से मुनव्वर हो जाए, खुशबू से मुअत्तर हो जाए। ये जन्नत अल्लाह ने हम लोगों के लिए तैयार करके रखी है जिन्होंने दुनिया में थोड़ी सी मुशक्कत बर्दाश्त की, और हूरों का क्या हुस्नो जमाल होगा वहाँ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती की हूर 70 किस्म के जोड़े उसने पहने हुए होंगे, हर जोड़े का रंग अलग होगा, खुशबू अलग होगी, और हर 70 किस्म के जोड़ों के अंदर से उसका जिस्म नज़र आ रहा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पर कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी, कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो ऐसे गोया के मोतियों की तरह हैं। याकूत ऐसा कीमती पत्थर है कि वो इतना शफाफ होता है, साफ शफाफ होता है, उसके सुराख में अगर धागा डाला जाए तो बाहर से वो धागा नज़र आता है। फरमाया कि 70 किस्म के जोड़े पहने हुए होंगे और ये नज़र आएगा। जन्नती जब अपनी हूर को देखेगा तो देखते दंग रह जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, किसी नफ्स ने आज तक वो चीज़ें देखी नहीं हैं, और जो कुछ अल्लाह ने इसकी आंखों की ठंडक के लिए तैयार करके रखा है, 70 साल गुजर जाएंगे, टिकट की बांध के देखता रहेगा, इसको दुनिया वमा किसी चीज़ की खबर तक नहीं होगी। ये जन्नत इसके लिए उस जन्नत से हूर से मुलाकात करेगा, 70 साल का मुआनका होगा, गले मिलेगा, उससे जब आगे बढ़ेगा एक और बहुत खूबसूरत पहली को भूल जाएगा, एक हूर उसके इस्तकबाल में खड़ी होगी, और उसके बाद जब पहुंचेगा वो पूछेगा तुम कौन हो, वो कहेगी मैं मजीद हूँ, अल्लाह ने तेरे साथ कुरान में वादा किया था मैं मजीद हूँ, और फरमाया कि उसके साथ ये वक्त गुजारेगा और पहली हूर को भूल जाएगा उसके हुस्न व जमाल को देखते हुए, उससे आगे बढ़ेगा ये जन्नत, फिर एक और हूर होगी, वो पूछेगा तुम कौन है, तो कहेगी फ़ला तालम नफ़सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन कुर्रति आयुन, में वो हूँ जिसको अल्लाह ने जिसको छुपा के रखा था तुम्हारी आंखों की ठंडक के लिए, आज तुम अपनी आंखें ठंडी करो, ये सब कुछ अल्लाह ताला वहाँ अता फरमाएंगे। और याद रखें ये दुनिया की नेक खातून नेक बीवी जो है, फरमाया कि जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज़्यादा अफजल और खूबसूरत होगी, इस तरह अल्लाह ताला इसको भी हुस्न व जमाल अता फरमा देंगे। जो जन्नत की ये दुनिया की जो खूबसूरत जो दुनिया की नेक खातून है, नेक बीवी है, फरमा दार बीवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के बारे में भी, जो औरत ये चंद काम कर ले, 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले, रमज़ान के फ़र्ज रोज़े रख ले, नफर नहीं रखे जा रहे तो कोई बात नहीं, ना फ़र्ज फ़रैज़ की पाबंदी कर ले, नमाज की भी और रमज़ान के रोज़ों की भी, फिर फरमाया कि अपनी नामूस की हिफाजत करे,
और अपने शोहर की खिदमत गुजार हो, इताअत गुजार हो। फरमाया कि ऐसी औरत जब जन्नत के दरवाज़ों पर आएगी तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी फजीलत और क्या कुछ अल्लाह ने इस लोगों के लिए तैयार करके रखा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े माशर जन्नत में आदमी को खुद शराब पेश करेंगे। तो फरमाया वसखाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, आज तुम्हारा रब तुम्हें पाकीज़ा शराब मुहैया कर रहा, पिला रहा है, खुद अल्लाह ताला पिलाएंगे। फिर जन्नतियों की वहाँ हर किस्म की नेमत मुयस्सर होगी। दिल चाहेगा फलां को मिलना है तो अल्लाह ताला वहाँ उनके वहाँ तक पहुँचा देंगे। चाहे दर्जात में जितना भी तफावत होगा अल्लाह ताला वहाँ उनकी मुलाकात करवाएंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपना भी दीदार करवाएंगे। जन्नत वाले जन्नत में कुरान सुनेंगे, जबूर सुनेंगे, अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करेंगे और उनसे कुरान सुनेंगे, और ऐसा मज़ा आएगा इनको सब कुछ भूल जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इससे भी अच्छा सुनाऊँ, तो जन्नती कहेंगे या अल्लाह इससे बढ़कर क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आज तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाएगा, अल्लाह ताला खुद कुरान सुनाएंगे, वहाँ जन्नती सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा मगन हो जाएंगे, जहाँ बैठे हैं कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसे मगन हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सब कुछ होने के बाद अल्लाह जन्नती उनसे अल्लाह ताला पूछेगा और चाहिए या अल्लाह इससे बढ़कर क्या होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अपना दीदार करवाएंगे अब जन्नतियों को, और दीदार में क्या लुत्फ क्या मज़ा होगा जब जन्नती अपने रब को खुद देखेंगे और सब कुछ जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब को इस तरह देखोगे जिस तरह चौदहवीं रात का चांद चमक रहा हो, हर बंदा बगैर किसी रुकावट के हर आसानी से देख सकते हैं, इस तरह तुम अपने रब का दीदार करोगे। और जब रब का दीदार होगा इतना हुस्नो जमाल बंदों को अता हो जाएगा, जिसे मुबारक में आता है जब आएंगे अपने घरों में अपने महल्लात में अपनी बीवियों के पास, वो एक लम्हे तो पहचानेंगी नहीं, हुस्नो जमाल इतना ज़्यादा होगा कि वो भी दंग रह जाएंगी कहाँ से आ जा रहे हो। तो ये कहेंगे हम आज अपने रब का दीदार करके आ रहे हैं, इतना हुस्नो जमाल इनको अता हो चुका होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी नेमतें देने के बाद फरमाएंगे क्या इससे भी बढ़कर कुछ चाहिए। जन्नती कहेंगे या अल्लाह अब तो कुछ चीज़ रह नहीं गया, हर चीज़ हमें मुयस्सर हो गई है। तो बाज़ रिवायतों में यहाँ तक है जन्नती लोग उलमा से पूछेंगे क्या अल्लाह ताला चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो कहेंगे कि आज अल्लाह की खुशनूदी मांगो, तो अल्लाह की रजामंदी का सवाल करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ आज मैं तुम सबसे राज़ी हो गया हूँ, कभी मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। कुरान कहते हैं वरिजवान मिनल्लाह अकबर, अल्लाह का खुश हो जाना राज़ी हो जाना ये हर चीज़ से बढ़कर होगा, अल्लाह की रजामंदी हासिल होगी। ये तमाम चीज़ें हैं अल्लाह के नबी ने बयान किया, कुरान मजीद ने बयान किया, हर किस्म की नेमत। अब ये जो कह लें कि बस ये चंद लफ्ज़ों में सब कुछ समो दिया कि ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने छुपा कर रखी हैं आँखों की ठंडक के लिए, जो किसी कान ने नहीं सुनी, किसी आँख ने देखी नहीं, किसी दिल में तसव्वुर नहीं हुआ। ऐसी नेमतें अल्लाह ही जानते हैं क्या कुछ तैयार होगा, किन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में रब की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली, अल्लाह के नबी की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली, जो गुनाहों से बचते रहे नेकी की ज़िंदगी गुजार ली, अल्लाह ताला ने उनके लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। अब मरते ही उनके लिए आसाइशें शुरू हो जाएंगी, जन्नत की नेमतें, कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी और हर किस्म की राहत और आराम होगा। अल्लाह ताला पूछते हैं अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका, क्या मोमिन और फासिक बराबर हो सकते हैं कि एक तहज्जुद गुजार है एक रात का शराबी कबाबी है, दोनों एक ही तराजू में तोल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। फरमाया ला यस्तवून, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मोमिनीन के लिए अल्लाह ने ये सब कुछ तैयार करके रखा है। फरमाया जो भी ईमान ले आए जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए, हमने उनके लिए बाला खाने बनाए हैं, बड़ी बड़ी नेमतें जन्नत में तैयार की हैं, ये सब कुछ बतौर मेहमान नवाजी के होगा, यानी किसी किस्म की कोई मुशक्क़त जन्नत में नहीं होगी, हर किस्म की नेमत इनको मुयस्सर होगी। क्यों? बीमा कानू या मालून, इस वजह से जो दुनिया में वो नेक काम करते रहे। याद रखें ये तमाम जन्नत की नेमतें कब मुयस्सर होंगी, जब ये हम जो थोड़ी सी ज़िंदगी है चंद सुबह हैं चंद शामें हमारे पास हैं इनको कीमती बना लें, इनमें अपनी आखरत की तैयारी कर लें, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अता फरमाएंगे। दुनिया भी सुरख में भी सुरखरू होंगे और आखरत में भी, याद रखें कोई किस्म की परेशानी नहीं होगी। हम जब नेकियों के मुताबिक ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारेंगे हमें रोज़े महशर अल्लाह के महबूब के हाथों जामे कौसर नसीब होगा, वहाँ कोई शर्मिंदगी हमें नहीं उठानी पड़ेगी। वगरना अगर गुनाहों की ज़िंदगी गुजारी होगी, याद रखें किस मुंह से अल्लाह के नबी का हम सामना करेंगे, अपने महबूब जिन जो उम्मत की खातर रातों को रोता रहा, या रब्बी उम्मती उम्मती की सदाएँ रोज़े महशर बुलंद करेगा, ये गुनाहगार उम्मत जब सामने पेश होगी तो क्या मुँह दिखाएगी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। याद रखें वहाँ की शर्मिंदगी बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। आज हम दुनिया में अच्छे अमाल कर लें, नेक अमाल कर लें,
دین کے مطابق زندگی گزار لیں، سنت کے مطابق زندگی گزار لیں، اپنے محبوب کی شکل و شباہت کو اختیار کر لیں تاکہ سامنا کرتے ہوئے ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر عنایت فرمائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے، اپنے نبی کی شکل و صورت کو اختیار کریں گے، اپنے نبی کی شباہت کو اختیار کریں گے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، کل روز محشر ہم اپنے رب سے یہ کہہ سکیں۔ تو یاد رکھیں، یہ تھوڑی سی زندگی، کسی کو کوئی پتہ نہیں کب موت کا پیغام آ جائے، تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے پرعزم ہو جائیں کہ نیکی کی زندگی گزارنی ہے، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ معاملے کرنے ہیں، رحم دلی والا معاملہ کرنا ہے۔ تو آج ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، آج سے ہی نیا ایک انقلاب پیدا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ساری نعمتیں ہمیں میسر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔